नेचुरली ग्लो करती हुई स्किन भला किसे पसंद नहीं, लेकिन चेहरे पर नेचुरल निखार लापाना बहुत ही टेढ़ी खीर है और इसके लिए लोग न जाने मार्केट में जाकर कितने सारे महंगे महंगे प्रोडक्ट्स खरीद लाते हैं और दो चार बार के इस्तेमाल के बाद उन्हें ये महसूस होता है कि उन्होंने गलती कर दी। लेकिन हम आपको आज इस वीडियो में बताएंगे घरेलू टिप्स जिससे आप नेचुरली ग्लो स्किन घर बैठे पा सकते हैं। इमली के इस्तेमाल से आप मुहासे, ड्राई स्किन और डल स्किन की समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके लिए आपको इमली का फेस पैक तैयार करना होगा। इमली का फेस पैक बनाने के लिए सबसे पहले तो आप इमली को पानी में उबालकर इसका गूदा निकाल लें और फिर इस पेस्ट में एक छोटा चम्मच ताजा दही मिला लें और 2 मिनट से भी कम समय में आपका ये फेस पैक तैयार हो जाएगा। फेस पैक तैयार होने के बाद आप इसे पूरे चेहरे पर साथ साथ गर्दन पर भी लगा सकते हैं। 15 से 20 मिनट तक इस फेस पैक को सुखाएं और फिर ठंडे पानी से चेहरे को धो लें। इस फेस पैक का इस्तेमाल आप हफ्ते में 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमली और पपीते का फेस पैक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको इमली का प्लेन गूदा लेना होगा और उसमें पपीते के पल्स आप मिला लें। दोनों पल्प को मिक्सर में पीस लें, फिर इसमें 1 चम्मच गुलाब जल मिलाएं। फेस पैक तैयार होने के बाद आप इसे चेहरे पर साथ ही गर्दन पर भी लगा सकते हैं। फिर अपनी उंगलियों से धीरे धीरे मसाज करें, फिर इसे 10 से 15 मिनट तक छोड़ दें। पैक के सूख जाने के बाद इसे ठंडे पानी से धो लें। आप हफ्ते में ऐसा 2 से 3 बार कर सकते हैं। इसके अलावा आप इमली, बेसन और शहद का भी फेस पैक तैयार कर सकते हैं। इस पैक को बनाने के लिए सबसे पहले तो आप 1 कटोरी में 1 चम्मच इमली का गूदा मिला लें, इसमें 1 चम्मच शहद मिला लें। पेस्ट तैयार होते ही आप इसमें कम से कम 1/2 चम्मच बेसन भी मिला लें। पेस्ट तैयार होते ही इसे फ्रेश अपने चेहरे पर 15 से 20 मिनट तक लगाएं और फिर ठंडे पानी से धो लें। क्विक टिप्स में हमारे पास भी आपके लिए एक नुस्खा है। इसके लिए आपको सिर्फ इमली के पल्प में 1 चम्मच नींबू का रस मिलाना है और इस इंस्टेंट फेस पैक को 5 मिनट तक अपने चेहरे पर लगाना है, फिर चेहरे को ठंडे पानी से धो लेना है। अगर आप इमली का इस्तेमाल लगातार करते हैं तो फिर कुछ ही हफ्तों में आपको अपनी स्किन पर, चेहरे पर फर्क महसूस होने लगेगा। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए TV9 भारतवर्ष। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।